अच्छा दोस्तों, आप सभी का फिर से एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमेजोन के एक वर्क फ्रॉम होम जॉब के बारे में। सो दोस्तों, आप सभी को पता है कि अमेजोन कितनी बड़ी कंपनी है। अगर आपको जॉब इसमें एक बार लग जाता है तो इसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात दोस्तों, इसमें आपको 5 डे वर्किंग रहता है। मतलब अगर आप हफ्ते में आपको सिर्फ 5 दिन ही काम करना है, 2 दिन आपकी छुट्टी रहेगी। ठीक है, वो 2 दिन दोस्तों कभी भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि आपको संडे और सैटरडे मिले 2 दिन ऑफ। वो कभी भी 2 दिन ऑफ मिल सकता है, जो भी बिजनेस का रिक्वायरमेंट होता है उसके हिसाब से आपको 2 दिन ऑफ मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपके पास अगर कोई सिस्टम नहीं है, मतलब काम करने के लिए आपके पास कोई लैपटॉप है, सो उस चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। क्योंकि दोस्तों, इस जो जॉब है, इस जॉब में दोस्तों आपको जो सिस्टम होता है, ठीक है, वो कंपनी ही आपको देगी। ठीक है, आपको काम करने के लिए आपको अपना सिस्टम यूज़ नहीं करना है, कंपनी सिस्टम देती है इसमें आपको काम करने के लिए। सो यहाँ पे आप कंपनी का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और दोस्तों दूसरी बात यह है कि इसमें टोटली वर्क फ्रॉम होम जॉब है, आपको कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे काम करके इसमें पैसे कमा सकते हो। और दोस्तों सैलरी की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों सैलरी बहुत अच्छी खासी आपको मिल जाएगी। मतलब ठीक है, डिसेंट मिल जाएगा, 25-30 के करीब आप मान सकते हो। ठीक है, इसमें ओवर अगर आप ज़्यादा काम करते हो, ठीक है, तो इसमें बोनस वगैरह भी है। और उसमें यहाँ पे अगर आप नाइट शिफ्ट लगाते हो अपनी, तो उसका भी दोस्तों अलग से आपको पैसा दिया जाता है। सो दोस्तों काफ़ी सारे बेनिफिट्स है। प्लस आपको यहाँ पे सोडेक्सो का मील कार्ड होता है, ठीक है, उसका भी आपको बेनिफिट मिलता है। मतलब जो इंटरनेट का रिचार्ज का जो एक्सपेंस होता है, वो भी आपको कंपनी की तरफ से ही मिलता है। मतलब काफ़ी सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पे कंपनी की तरफ से दिए जाते हैं। तो अगर आपके यहाँ पे एक बार जॉब लग जाती है तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा अमाउंट मतलब मिल जाएगा। ठीक है, सो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कौन सी जॉब है और इसके लिए आपको यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है। आपको यहाँ पे मैंने एक लिंक दे दिया है, ठीक है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक फॉर्म का लिंक दिया है। ठीक है, इसको यहाँ पे आप सिंपली आपको ओपन करना है। क्लिक करने के बाद उसको यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने नेक्स्ट किया। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये डेटा एसोसिएट की है, मशीन लर्निंग। ठीक है, सो इसमें इस जॉब में दोस्तों आपको करना क्या होगा वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको मैं व्यू जॉब डिस्क्रिप्शन में आपको लेके चलता हूँ। सब वो करना क्या होगा, जैसे आपने देखा होगा कि जब भी आप यहाँ पे अमेजोन पे कुछ भी सर्च करते हो तो आपको अमेजोन पे वही चीज़ शो होती है जो आपने सर्च किया है। ठीक है, और हम चाहते भी वही हैं कि जो हम सर्च करें अमेजोन पे सिर्फ वही शो हो, कोई फालतू की एक्स्ट्रा चीज़ शो ना हो जो मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, सो दोस्तों अमेजोन मतलब इस जॉब में आपको ये भी यही करना है कि जो भी मतलब प्रोडक्ट होता है अमेजोन पे, उसको मतलब आपको यहाँ पे टैग मतलब लेबल देना है कि वो जो प्रोडक्ट है वो किस कैटेगरी में जाना चाहिए, मतलब लोग क्या सर्च करें तो वो उसमें शो हो जाए। ठीक है, इस मोबाइल दिया जाता है तो उसमें आपको बताना है कि जो ये मोबाइल है किस कैटेगरी में जाना चाहिए। ठीक है, इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग आपको पहली बात तो दी जाएगी। ठीक है, आपको इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग आपको दी जाती है अमेजोन की तरफ से। तो वो तो आपको वहाँ पे सब कुछ बताया जाएगा किस तरीके से आपको काम करना है, लेबलिंग कैसे करनी है। बट आप यहाँ पे सिर्फ ये समझो कि जो ये जो जॉब है इसमें आपको मतलब अपना खुद का दिमाग और खुद का एनालिटिकल स्किल मतलब यूज़ करके आपको जो भी प्रोडक्ट है उसको यहाँ पे लेबल लेना है। ठीक है, प्रोडक्ट आपको दिया जाता है उसमें आपको बताना है कि किस कैटेगरी में जाएगा, लोग क्या सर्च करेंगे तो ये क्या शो होना चाहिए उसको। ठीक है, सो लेबलिंग का काम है टोटली। ठीक है, मतलब जो अमेजोन है मतलब वो उसकी सर्च रिजल्ट को काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्यूरेटली बनाना चाहता है, तो इसके लिए दोस्तों आपको ये मतलब लेबलिंग का काम करना होगा। ठीक है, आपको यहाँ पे जो भी काम वगैरह दिया जाता है, जो भी आपको प्रोडक्ट दिया जाएगा उसको यहाँ पे लेबल करना अच्छे तरीके से, और यहाँ पे एक्यूरेटली आपको यहाँ पे उसको बताना है कि ये किस कैटेगरी में जाना चाहिए। तो आपको सिंपल सा यही बेसिक से काम रहने वाला है। अगर आप यहाँ पे इसके बारे में पढ़ोगे तो यहाँ पे आपको इन्होंने बहुत कुछ लिख रखा है, बट दोस्तों जो आपका मेन काम है मैंने आपको बता दिया कि आपको लेबल करना है, जो भी प्रोडक्ट आपको दिया जाता है उसको यहाँ पे लेबल करना है। सो मतलब किस कैटेगरी में जाना चाहिए वो आपको यहाँ पे बताना रहेगा। ठीक है, ज़्यादा जानकारी दोस्तों आपको यहाँ पे ट्रेनिंग मिल जाएगी वैसे भी। ठीक है, आपको यहाँ पे सो यहाँ पे आप देख सकते हो जॉब डिस्क्रिप्शन एंड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो यहाँ पे आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देख सकते हो अपनी, कि आपको यहाँ पे मतलब आपका एज अ अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हो इसमें तो आपको यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी क्या रहेगी इस जॉब के लिए। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मीट्स बिजनेस एंड मैट्रिसिस एंड गोल्स। ठीक है, यहाँ पे आप इसके बारे में एग्जांपल के लिए पढ़ सकते हो, SLA प्रोडक्शन एंड क्वालिटी टारगेट्स। ठीक है, कुछ टारगेट्स वगैरह भी आपको दिए जाएंगे जिन्हें आप यहाँ पे मतलब कंप्लीट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, टाइमली। सो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी कुछ लिखा हुआ, अगर आपको मैं हर एक चीज़ बताने लग गया तो यहाँ पे बहुत सारा मतलब बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, आप खुद समझ सकते हो उसके बाद लिखा हुआ। बट यहाँ पे आपको इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये सब जो चीज़ें हैं आपको दोबारा से रिपीट होंगी, आपको मतलब जो ट्रेनिंग होती है उसमें आपको दोबारा से ये सब चीज़ें बताया जाएगा कि आपको यहाँ पे गोल्स वगैरह क्या रहेगा, आपको यहाँ पे करना क्या होगा, और यहाँ पे टारगेट्स वगैरह जो भी आपको मतलब दिया जाता है उसे कैसे कंप्लीट करना रहेगा, तो सब कुछ आपको हमें से दोबारा बताया जाएगा। तो इस चीज़ के आप यहाँ पे टेंशन मत लो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बेसिक क्वालिफिकेशन और यहाँ पे स्किल्स आपके क्या होनी चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएट दोस्तों आप होने चाहिए, या फिर यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट, तो आपको यहाँ पे ग्रेजुएट होने चाहिए। ठीक है,
किसी फील्ड से हो सकते हैं, जरूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल या फिर राइटिंग या फिर वर्बल जो स्किल होती है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इसमें जो अमेजोन में आपको पता है कि आपको अगर आप अमेजोन में यहाँ पे आप काम करना चाहते हो तो उसके लिए जो आपकी इंग्लिश स्किल है दोस्तों वहाँ पे अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पे अच्छे से बोलना चाहिए, बोलने आने चाहिए, उसके बाद यहाँ पे आपको अच्छे से पढ़ना भी आना चाहिए। सो ये सब आपकी इंग्लिश स्किल दोस्तों इसमें मतलब मैंडेटरी है, आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल एंड कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। आपको यहाँ पे जो भी डेटा दिया जाता है उसको यहाँ पे एनालाइज करना आना चाहिए, मतलब अच्छे से, ठीक है। आप यहाँ पर अच्छे से उस डेटा को समझ पाओ और यहाँ पे अपना जो मतलब एनालाइज करने के बाद जो भी आपको आउटपुट है वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। नीचे भी कुछ ऐसी इसी तरीके से लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे शिफ्ट वगैरह लिखा हुआ है, 24/7 इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग नाइट शिफ्ट एंड द शिफ्ट आर डिसाइडेड बेस्ड ऑन द बिजनेस रिक्वायरमेंट, ठीक है। सो यहाँ पे आपको रात में भी काम करना पड़ सकता है तो वो बिजनेस के रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों यहाँ पे आप, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स फॉर वर्क फ्रॉम होम जॉब रोल, ठीक है। सो यहाँ पे आप अगर आप मतलब आपको मैंने बताया कि इसमें घर बैठे काम करना है, बट दोस्तों इसमें घर बैठे जब आप यहाँ पे काम करोगे सो इसमें आपके पास कुछ मतलब एक यहाँ पे आप देख सकते हो होम एनवायरनमेंट फ्री फ्रॉम बैकग्राउंड नॉइस, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मतलब यही लिखा हुआ है कि जो भी आपका घर है उसमें मतलब एक अच्छा सा आपके पास रूम या फिर कुछ ऐसा जगह होना चाहिए जहाँ पे आप मतलब शांति से बैठे काम कर सकते हो, मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे पीछे से गाड़ियों की आवाज़ आ रही है या फिर पीछे से आप मतलब कुछ ऐसा नॉइस वगैरह हो रहा है तो ऐसा यहाँ पे आप नहीं चलेगा, ठीक है। आपके पास कोई अच्छा सा मतलब जगह स्पेस होना चाहिए आपके घर में जहाँ पे आप शांति से बैठ के अपना इस काम को कर सकते हो। सो यहाँ पे आप देख सकते हो इंटरनेट का जो यहाँ पे स्पीड वगैरह दिया हुआ है, आपके पास वाईफाई होना चाहिए, ठीक है। वाईफाई का आपको यहाँ पे मतलब पैसा मिलता ही है कि आप वहाँ पे जो वाईफाई है वहाँ पे आप मतलब रिचार्ज वगैरह का पैसा आपको दिया जाता है तो वो यहाँ पे आप करवा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एटलीस्ट 100 GB डेटा आपके पास होना चाहिए, ठीक है। प्रोवाइडर से आपको 100 GB डेटा रहना चाहिए क्योंकि दोस्तों इसमें स्पीड भी आपको मतलब एक कॉन्स्टेंट स्पीड चाहिए इसमें, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिमम स्पीड आपको यहाँ पे 20 Mbps होना चाहिए, ठीक है। हैव एक्सेस टू मोबाइल फ़ोन एट ऑल टाइम फ्रॉम रिलायबल प्रोवाइडर, ठीक है। सो आपके पास मोबाइल होना चाहिए तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपके पास होगी, ठीक है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे आपको मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेट्स, दोस्तों यहाँ पे कुछ स्टेट्स के नाम लिखे हुए हैं जो कि जिन स्टेट्स से आप होने चाहिए, ठीक है। अगर आप इन स्टेट्स से नहीं हैं लोकेट होना पड़ेगा इन स्टेट्स में। सो यहाँ पे आप तमिलनाडु है, कर्नाटका है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, ठीक है। सो दोस्तों अगर आप इन स्टेट से हैं तो आपके लिए जॉब है, अगर आप इन स्टेट से नहीं हैं तो आपको यहाँ पे आपको रीलोकेट होना पड़ेगा, ठीक है, इन स्टेट्स में, तभी यहाँ पे आप इस काम को कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन या फिर स्किल्स, एक्सेल की नॉलेज आपको होनी चाहिए अच्छी खासी, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है डेटा वगैरह में जो आप यहाँ पे आप डील करोगे तो आपको वहाँ पे मतलब एक्सेल वगैरह में भी यूज़ होगा, ठीक है, ये सब काम। तो आपको वहाँ मतलब एक्सेल वगैरह की नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो हमारा काम है वो सब डेटा के ऊपर ही है, ठीक है। तो आपको वहाँ पे एक्सेल वगैरह का नॉलेज होना चाहिए। सो यहाँ पे इसको मैं क्लोज कर, मतलब सब कुछ मैंने आपको दिखाई दिया है और यहाँ पे आपको उसको मतलब अप्लाई कैसे करना है यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे इसको मैं क्लोज करता हूँ, आपने मतलब सब कुछ मैंने आपको दिखाई दिया है और यहाँ पे आपको इसको मतलब अप्लाई कैसे करना है यहाँ पे आप देख सकते हो। सभी कुछ आपको यहाँ पे मतलब फिल करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो सोर्स डिटेल्स, हाउ डिड यू फाइंड आउट अबाउट दिस जॉब, ठीक है। तो आपने इस जॉब को कहाँ से मतलब सुना है इस जॉब के बारे में, सो आप यहाँ पे बता सकते हो। यहाँ पे पर्सनल डिटेल शेयर कर सकते हो अपनी। सो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे दोस्तों खुद से भी कर सकते हो, ठीक है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में आपको यहाँ पे 12th भी मिल जाएगा, ठीक है, 10th 12th भी मिल जाएगा। बट यहाँ पे अगर आप ग्रेजुएट हो तभी आपको यहाँ पे सूटेबल है, अगर आप ग्रेजुएट नहीं हो तो हो सकता है आपको यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाए। तो यहाँ पे ग्रेजुएट होनी चाहिए इस जॉब के लिए, ठीक है। उसको यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग किस ईयर में आपने पास किया सब यहाँ पे आप डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एक्सपीरियंस है आपका कोई पास्ट में तो भी यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका नहीं है तो यहाँ पे फ्रेशर सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे अदर्स डिटेल्स में जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको यहाँ पे और भी कुछ पूछा जाता है तो वो सब यहाँ पे आप देख सकते हो। सो ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो बन चुकी है, मुझे ज़्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो डिटेल्स डाल सकते हो, ई आधार डाल सकते हो अपना, ठीक है। और डॉक्यूमेंट में दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो आपको रिज्यूमे या फिर सीवी यहाँ पे आप सिंपली उसको डॉक्यूमेंट की फाइल में एज अ डॉक्यूमेंट फाइल यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। और जो अपनी एक अच्छी सी फोटो है वो यहाँ पे आपको सिंपली अपलोड करके इसको यहाँ पे टिक करके आप यहाँ पे सिंपली सबमिट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक OTP आएगा, जो भी आपका मेल आईडी है उस पर OTP आएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी टेस्ट का लिंक है वो आपको यहाँ पे इंस्टेंट मिल जाता है, ठीक है। तो उस टेस्ट को यहाँ पे आप 24-48 घंटे के अंदर दे सकते हो कभी भी, ठीक है।
और दोस्तों जो भी टेस्ट है आपको यहाँ पे मतलब कंप्यूटर से देना पड़ेगा, तो उस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। सो ये सब चीज़ दोस्तों है। और यहाँ पे अगर आप टेस्ट वगैरह देते हो तो अगर आप यहाँ पे पास हो जाते हो तो उसके बाद आपको जो आए की डिटेल्स और आए की आपको यहाँ पे ईमेल पे ही आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से दोस्तों इस जॉब में आपको काम करना पड़ेगा और यहाँ पे सब कुछ मैंने आपको बता। अगर आपको कोई भी फिर से भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो मिलते हैं फिर किसी और नई वीडियो में।